आज हम कवर करेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन का पार्ट सेकंड। पार्ट वन के अंदर मैंने आपको थ्योरी कवर कराई थी जो भी एयरफोर्स और नेवी पर बेस्ड है। इस पार्ट सेकंड के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कराऊंगा। कॉन्सेप्चुअल इसलिए क्योंकि नेवी SSR आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल इसलिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप आपसे न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर। और एक और चीज, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो देखना जरूर नेसेसरी है, क्योंकि मैं यहाँ जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो फॉर्मूले सारे के सारे यूज होंगे। तो आप पहले पार्ट को जरूर देखें, अगर आपको उसको नहीं देखा है तो यहाँ आने में प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आपको आई बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन बोल रहा है कि द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेराइज विद टाइम एज एक्स इक्वल टू 80² - BT³, द एसलेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट टाइम टी इक्वल टू 2a/3b, a/b, a/3b और जीरो। सवाल के अंदर हमसे बोल रहा है कि आपको एक्स बराबर 80² - BT³ दे रखा है, मतलब उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और हमसे सवाल में निकलवा रहा है कि टी टाइम पर, मतलब एक ऐसा टाइम बताओ टी टाइम जिस पर उस पार्टिकल का एसलेशन जीरो हो, वो टाइम कौन सा होगा जिस पर उस पार्टिकल का एसलेशन यानी त्वरण जीरो हो, वो हमें निकालना है। ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है यहां कि हमें क्या करना है, ये आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन है और हमें क्या निकालना है, इस पार्टिकल का पहले एसलेशन निकालना है, और एसलेशन निकालेंगे तो उस टाइम टी पर उस पार्टिकल के एसलेशन को जीरो पुट करेंगे और वहां से हमारी टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से एसलेशन निकालें कैसे। तो मैं आपको एक लॉजिक सिखाता हूं, इस टाइप के बहुत सारे और भी सवाल मैं कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट देखो, उस कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी सवाल के अंदर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन है, जैसे यहां दे रखा है आपको टाइम के साथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी सवाल के अंदर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, विस्थापन या दूरी अगर गिवन हो, मान लो वो एक्स है और आपसे क्या निकलवा रहा है, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन, मतलब आपको x दे रखा है, आप क्या करेंगे इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दो dx/dt, तो इसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी निकल के आ गया। तो लॉजिकली क्लियर है, डिस्टेंस दे रखा हो या डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, तो आप क्या करेंगे उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। लेकिन सवाल के अंदर अगर वेलोसिटी गिवन हो, मान को वेलोसिटी गिवन है आपको सवाल के अंदर दे रखी है, पार्टिकल की वेलोसिटी वी दे रखी है और आपसे क्या निकलवा रहा है, एक्सेलरेशन निकलवा रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन, मतलब वी का टाइम के साथ क्या कर दोगे आप, डिफरेंशिएशन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो ए बराबर क्या आ गया, dv/dt, ये क्या निकल के आ गया, डिफरेंशिएशन। तो लॉजिकली क्लियर है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी सवाल के अंदर दे रखा है तो क्या निकालना है, एसलेशन, तो भी क्या, डिफरेंशिएशन। अगर सवाल के अंदर हमसे डायरेक्ट क्या निकलवा रहा है, डिस्टेंस से एसलेशन निकलवा रहा है, वेलोसिटी तो निकलवा ही नहीं रहा। आप एक काम करो यहां से मैंने एसलेशन का जो फॉर्मूला लिखा है वो है a/dv/dt, क्लियर। और देखो वी की वैल्यू कितनी है, dx/dt, आप पुट कर दो वी की जगह d/dt, और v की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, dx/dt, और देखो ये क्या हो जाएगा, d²x/, ये क्या हो जाएगा, dt², मतलब एसलेशन का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या निकल के आ गया, d²x/dt², किसकी टर्म में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। तो आप एक काम करो, अगर आपको एसलेशन निकालना हो, इस एक्स पार्टिकल का एसलेशन निकालना हो, तो इसका एक्स का क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, एसलेशन। क्लियर है, दोबारा सुनो, सवाल के अंदर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और एसलेशन निकालना है डायरेक्ट, तो आप एक काम करो उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो। अगर ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने आपको इजी मेथड बताया है, अगर आपको ऐसे नहीं करना
तो आप एक काम करो, सवाल के अंदर आपको डिस्टेंस दे रखा है x बराबर ये, आप उसका क्या निकालो, पहले वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकल के आ गया। अब फिर वेलोसिटी का क्या कर दो, दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। अब वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सीलरेशन, ऐसे निकाल लो आप। ये लेकिन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का लॉजिक। अगर आपको सवाल के अंदर एक्सीलरेशन गिवन हो, क्या निकालना हो, वेलोसिटी या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, सवाल के अंदर क्या गिवन हो, एक्सीलरेशन, या सवाल के अंदर क्या दे रखा हो, वेलोसिटी, क्या निकालना हो आपसे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन। क्लियर है बात? तो अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो आप डिफरेंशिएशन करना है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो अब आओ इस क्वेश्चन पे, अब इस सवाल को देखो, x बराबर at square minus bt cube, निकालो इसका एक्सीलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, dx over dt, ये 2at minus 3bt square, कर दिया डिफरेंशिएशन। क्लियर है? ये क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी, ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी आपका। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा, dv over dt, तो क्या आ जाएगा, ये 2a माइनस 6bt, और dv over dt को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, तो a बराबर क्या निकल के आ गया, 2a माइनस 6bt, और बोल रहा है इसको हम पुट को क्या करना है, जीरो, किस टाइम t पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो पुट कर दिया, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा, 6bt, और एक काम करो 2 से 6 को कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, a बराबर 3bt, और t क्या निकल के आ गया, a बाई 3b। ये वो टाइम है a बाई 3b जिस पर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्लियर है? तो ये लॉजिक है सवाल को करने का, ठीक है। एक सवाल हो रहा है यहां से, वो देखो आप, सवाल के अंदर गिवन है कि अ बॉडी मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट इट कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर मीटर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी, थोड़ा लॉजिक सवाल है, क्या सवाल के अंदर क्या निकलवा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी, आपको शुरुआत की वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज यू, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल नहीं निकलवा रहा, क्या निकलवा रहा है, इनिशियल। ऑप्शन आपको सवाल के अंदर गिवन है, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, सेकेंड सवाल, सवाल के अंदर आपको दे रखा है x बराबर 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, ठीक है, और क्या निकलवा रहा है आपसे, इनिशियल वेलोसिटी निकलवा रहा है u। तो अब देखो पार्टिकल का डिस्टेंस दे रखा है, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएशन कर दो, बाय डिस्टेंस से क्या निकलवा रहा है, वेलोसिटी, तो क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, तो आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी, यही क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी, और ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 5 प्लस 12t। तो वेलोसिटी की वैल्यू सिंपल निकल के आ गई, ये आपके पास आ गई माइनस 5 प्लस 12t, ये निकल के आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। लेकिन हमसे सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है आपको। तो देखो जब इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो उस टाइम टाइम कितना होगा, जीरो। जब शुरुआत में हर चीज कितनी से स्टार्ट होती है, जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम कितना होता है, जीरो, कर दो टाइम जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो आपको उस पार्टिकल की, जो ये पार्टिकल टाइम के साथ चेंज हो रहा था, उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये नोट करो, फिर मैं आपको थर्ड एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, ठीक है। तो आगे बोल रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो और कांस्टेंट। अमेजिंग सवाल है, इसी टाइप के सवाल आपके नेवी SSR में पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल, गजब का सवाल है, ठीक है। तो सवाल के अंदर आपको क्या दे रखा है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी का जो डिस्टेंस है ना, वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी सवाल के अंदर ये गिवन है आपको कि उस बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है, उसका जो डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और हमसे क्या निकलवा रहा है सवाल के अंदर, कि उस बॉडी का एक्सीलरेशन घटेगा, बढ़ेगा, या जीरो होगा, या कॉन्स्टेंट होगा, ये हमसे निकलवा रहा है। क्लियर है? तो देखो डिस्टेंस दे रखा है, क्या निकलवा रहा है, एक्सीलरेशन।
क्या करना है, लॉजिक क्या सिखाया था, डिफरेंशिएशन। अब देखो डायरेक्ट टेस्लेशन निकलवा रहा है, तो आप एक काम करो डबल डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्ट, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, या स्टेप वाइज कर लो आप, पहले वेलोसिटी फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्लियर है ना। तो आप एक काम करो, यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा एस बराबर के टी स्क्वायर, मतलब कॉन्स्टेंट इसको हटाऊंगा तो कॉन्स्टेंट निकल के आएगा, के इज द कॉन्स्टेंट है नहीं, तो एस बराबर के टी स्क्वायर। आप एक काम करो टाइम के साथ इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, टू के टी। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसे मैं क्या बोलूंगा एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा 2k। तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया 2k, बोलो क्लियर है। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है बढ़ेगा घटेगा या जीरो होगा या कॉन्स्टेंट होगा, यही बोल रहा है ना, या कॉन्स्टेंट होगा। तो देखो k क्या था, कोई कॉन्स्टेंट था, और कॉन्स्टेंट का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कॉन्स्टेंट। तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इज कॉन्स्टेंट। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर है, क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा इसका, कांस्टेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अगला सवाल भी जबरदस्त है, इसी तरीके का है। सवाल बोल रहा है हमसे द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी बराबर 20+0.1 टी स्क्वायर, v बराबर 20+0.1 टी स्क्वायर, ठीक है। द बॉडी इज अंडरगोइंग ऑप्शन ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी समान त्वरण, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी समान मंदन, और ऑप्शन सी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन असमान त्वरण, और ऑप्शन डी जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की टर्म में आपसे पूछ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म या रिटार्डेशन या जीरो एक्सेलरेशन। तो आपको सवाल के अंदर वेलोसिटी दे रखा है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ही तो निकालना है। तो आप कर दो अगेन डिफरेंशिएशन, डीवी ओवर डीटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकल आया। तो कितना कर दो 20+0.1 टी स्क्वायर, तो 20 का 0 प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 × 0.1 इंटू टी, तो उसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा 0.2 इंटू टी, इतना एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब बताओ टाइम के साथ साथ एसलेन घटेगा बढ़ेगा, आप टाइम की 1 वैल्यू रखोगे, 2 वैल्यू रखोगे, फिर 3 सेकंड रखोगे, फिर 5 सेकंड रखोगे, तो एसलेशन चेंज होगा नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है, तो रिटार्डेशन तो है नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं आ रहा है एसलेशन, तो रिटार्डेशन वाला तो ऑप्शन वैसे ही गया। यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होगा, एसलेशन घटेगा या बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी टाइम की वैल्यू आएगी वैसे वैसे एसलेशन बढ़ेगा, एसलेशन तो इंक्रीज होगा ना। टाइम 1 सेकंड रखोगे तो एसलेशन बढ़ेगा, टाइम 2 सेकंड रखोगे तो एसलेशन बढ़ेगा, टाइम 3 सेकंड रखोगे तो एसलेशन बढ़ेगा। तो टाइम के साथ साथ एसलेशन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। दैट मींस ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एसलरेशन, क्लियर है ना। तो आपको मैंने जब स्टार्टिंग में जो लेक्चर कराया था पार्ट 1 मोशन स्ट्रेट लाइन का, वो चीजें यहां यूज हो रही हैं, क्लियर है। तो नॉन यूनिफॉर्म एसलेशन आपका आंसर होगा, क्लियर है। इनको नोट करो, फिर मैं आपके बाद इसके बाद और आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी आर गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन 2t c + b, ऑप्शन बी 2t√c² - b² और ऑप्शन सी t√c² + b² और ऑप्शन डी 2t√c² + b², ठीक है। सवाल बहुत सही है, तो आपको क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, मतलब एक पार्टिकल एक्स एक्स कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है इधर करके, और एक पार्टिकल वाई कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी टी स्क्वायर, और वाई वाले की कितनी दे रखी है, वाई बराबर बी टी स्क्वायर। हमसे क्या निकलवा रहा है, उस पार्टिकल का स्पीड निकालना है आपको, क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, ठीक है। तो देखो स्पीड निकालना है, ये डिस्टेंस दे रखा है टाइम के साथ साथ, भाई देखो एक्स एक्सिस इधर की तरफ, ये वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, तो एक्स एक्सिस टाइम के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, टाइम के साथ साथ वो पार्टिकल वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, ये निकलवा रहा है। ये आपको दे रखा है एक्स डिस्टेंस के साथ, मतलब एक्स जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है पार्टिकल, और ये टाइम टी के साथ वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा है,
हमसे क्या निकलवा रहा है, स्पीड निकलवा रहा है, उसी पार्टिकल की नेट स्पीड, टोटल स्पीड निकालना है। वही पार्टिकल एक्स एक्सिस में ऐसे मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में ऐसे मूव कर रहा है वीटी स्क्वायर से। तो आप एक काम करो, इस एक्स का स्पीड निकाल लो, तो ऑब्वियस ही बात है क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन। अब तो चीज़ें सीख गए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2ct इक्वेशन नंबर 1, ध्यान से सुनना। इसका आप निकालो dy ओवर dt, तो dy ओवर dt करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2bt इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ गई, x एक्सिस डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ गई, y डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी तो हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, दैट मीन्स वो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड इन एक्स डायरेक्शन में कितना निकल के आ गई, 2ct, और स्पीड वाई डायरेक्शन में कितना निकल के आ गई, 2bt। अब क्या करें, अब देखो लॉजिक हमने सीख रखा है, हमें नेट स्पीड निकालनी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में से बिल्कुल रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है जो इन दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जस्ट बीच में होकर जाएगा, इसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी, दैट इज वी आर। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कहलाएगा। वो कितना होता है, वो होता है अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ये आ गई आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि टोटल वेलोसिटी होती है। ये पता लग जाएगा एक्स एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है, वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। अब वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर दो वेलोसिटी दे रखी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, आप हमेशा उसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 2ct। यहाँ एक्स का पुट क्या कर दो आप, 2ct, तो 2ct का मतलब हो जाएगा 4c2t2। ठीक है, और वी वाई की वैल्यू कितनी है, 2bt, तो इसका कितना हो जाएगा, 4b2t2। क्लियर है, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो पता क्या निकलेगा, 2t बाहर, रूट से भी बाहर क्या निकल जाएगा, 2t। तो अंदर क्या बचा, ये बचा c2 प्लस b2। ये आपका स्पीड निकल के आ गया उस पार्टिकल का, 2t अंडर रूट b2 प्लस c2। सवाल बहुत सही था ये। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है हमसे, इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 1.2 meters इन द 8th second, देन वॉट इज द एक्सेलरेशन, त्वरण निकालना है। ऑप्शन ए 0.20 meters per second square, ऑप्शन बी 0.16 meters per second square, और ऑप्शन सी 0.08 meters per second square, और ऑप्शन डी 0.225 meters per second square। तो हमसे सवाल में बोल रहा है कि कोई बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब समझ रहे हैं आप कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो शुरुआत यानी प्रारंभिक जो वेग है उसका क्या है, जीरो। और हमसे बोल रहा है कि वो एट्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, 1.2 meters। आपको क्या निकालना है, उसका त्वरण, एक्सेलरेशन। तो आप याद करो मेरा लॉजिक, मैंने आपको सिखाया था nth सेकंड में जब हम डिस्टेंस निकाल रहे थे उसका जो फॉर्मूला क्या था, nth सेकंड में, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तो उसने क्या निकलवा रहा है हमसे, 8th सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, 1.2 meters। तो उसी पार्टिकल का हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो देखो इस सवाल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n-1। क्लियर है, ये फॉर्मूला किसके लिए था, डिस्टेंस इन या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्लियर है, तो हमसे क्या बोल रहा है, 8th सेकंड में, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ S8 बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस हाफ a, n की वैल्यू कितनी, 8, 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 1 15, तो कितना आ गया ये 15। और ये बोल रहा है कि n की वैल्यू जब 8वें सेकंड की बात आप कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 1.2 meters। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम, 1.2 meters बराबर 15a/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 2.4/15=a। इसको सॉल्व कर लो, ये करीब आएगा 3, 5 = 15 और 0.8, ये हो गया। अब आप एक काम करोगे, इसको लिख लो 8/50, ये 8/50 हो जाएगा बराबर ए, अब 2 4 = 8 और 2 = 25। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब निकल के आएगा 25 8, यानी 0.08 meters per second square। तो किसला एक्सलेशन निकल के आ गया,
0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो एक सवाल और है, इसी पैटर्न पर बेस्ड सवाल है और अच्छा सवाल है, वो कई बार आई थिंक एयरफोर्स में पूछा भी जा चुका है। सवाल क्या है? सवाल देखो आप, सवाल है What will be the ratio of distance covered by the falling object? ठीक है, in the first second and third second, first second, second second and third second, अगर किसी object को आप fall कर रहे हो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पहली second में कितना distance cover करेगा, second second में कितना distance cover करेगा और third second में कितना distance cover करेगा, ये हमसे निकलवा रहा है। तो option दे रखा है उसने 1:2:3, 1:3:5, 1:4:9 और 1:3:2, ये हमसे बोल रहा है। तो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो हमें निकालना है, तीनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो सेवंथ क्वेश्चन, ये सिक्स, ये सेवंथ। तो हमें क्या करना है, सवाल के अंदर एस वन, S2 और S3 का ये रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? कहां से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, फॉल हो रहा है ऊपर से नीचे, तो A बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का जी, तो आप लगा लो सिंपल सा इक्वेशन। S बराबर क्या हो जाएगा, U इसी के, यानी फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, तो ये लॉजिक काम करेगा। तो हम लगा सकते हैं यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। क्लियर है? अब देखो आप वन सेकंड के लिए निकालना है, तो शुरुआत की वेलोसिटी तो जीरो रही होगी, तो एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, वन, तो वन टू माइनस वन माइनस वन, तो कितना बचा है, वन, तो वन इंटू ए, तो ये आ जाएगा आपका ए बाई टू। तो एस वन कितना आ गया, ए बाई टू, तो एस वन डिस्टेंस कितना चली होगी उसने, ए बाई टू। अच्छा, सेकंड सेकंड के लिए एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप, दो, तो एस टू बराबर क्या हो जाएगा, दो, दो दूनी चार माइनस वन तीन, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ थ्री ए, क्योंकि शुरुआत में तो पार्टिकल की जीरो रही होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये तो जीरो रहेगी सेकंड। और थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, एस थ्री, एन की जगह पुट कर दो थ्री, तो थ्री टू जै सिक्स, सिक्स माइनस वन कितना, फाइव, ये आ जाएगा फाइव ए बाई टू, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। अब देखो एस वन, एस टू, एस थ्री का रेशियो निकलवा रहा है। अब आप देखो यहाँ से ए बाई टू, यहाँ से भी ए बाई टू और यहाँ से भी ए बाई टू, कैंसिल, तो क्या बचा, वन, थ्री और फाइव, तो क्या रेशियो निकल के आ गया, वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव, ये आपका आ गया एस वन और एस टू और एस थ्री का रेशियो। क्लियर है? तो एनवे सेकंड में, वन सेकंड, टू सेकंड, थ्री सेकंड, एट सेकंड, फिफ्थ सेकंड, एनवे सेकंड में कभी भी आपको डिस्टेंस निकलवा रहा है तो आप लॉजिक क्या लगाएंगे, एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, यही लॉजिक हमसे पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरे सेकंड में निकलवा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने लॉजिक यूज किया, इसको नोट करो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर, द स्पीड कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड इज, अगर गेंद को आप 19.6 हाइट से ड्रॉप कर रहे हो तो लास्ट सेकंड में उसकी स्पीड क्या रही होगी वो हमें निकालना है। ऑप्शन आपको गिवन है 4.9 मीटर पर सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड एंड 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखो ये आपकी बॉल है और इस बॉल को एच हाइट से ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, इस सवाल के अंदर आपको तीन चार क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के अंदर आपके सारे के सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। अब देखो आप, ये आपको एच हाइट से इस बॉल को ड्रॉप कर रहा है। क्लियर है? और वो हाइट कितनी दे रखी है, 19.6 मीटर। क्या निकलवा रहा है सवाल के अंदर हमसे कि लास्ट सेकंड में उसकी स्पीड क्या रही होगी, यानी टाइम वन सेकंड, लास्ट की वन सेकंड में उस गेंद की स्पीड निकालनी है। तो आपको पहले मैं एक लॉजिक सिखा रहा हूं, उसको देखो उसके बाद सवाल करते हैं। क्या चीज, फर्स्ट अगर आप देखो पहली क्वेश्चन क्या थी हमारी, वी बराबर यू प्लस जी टी, जब ऑब्जेक्ट को कहां से ड्रॉप कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, ए बराबर क्या जाएगा, प्लस का जी, जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे ड्रॉप करोगे। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका टाइम सेव करेगी और सोचने नहीं देगी सवाल के अंदर, अगर ये चीज क्लियर होगी तो। इस सवाल के अंदर आप देखो क्या चीज तुम्हें दिख रही है,
स्पीड या वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है डिस्टेंस या टाइम के साथ रिलेशन, और इसके अंदर आपको क्या दे रखा है डिस्टेंस या हाइट के साथ रिलेशन। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी जीरो, यहां भी क्या रहेगी जीरो, यहां भी क्या रहेगी जीरो, और जी आपको पता है हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सवाल के अंदर देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत लॉजिकली बात है कि आपको सवाल के अंदर ये तो कांस्टेंट हो गया, सवाल के अंदर वेलोसिटी या स्पीड या टाइम दे रखा हो तो आप हमेशा कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे। यानी सवाल के अंदर आपको स्पीड और टाइम का अगर लॉजिक दे रखा है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, पहली इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको सवाल के अंदर देखो इसमें टाइम दे रखा है, क्या निकलवा रहा है वेलोसिटी या स्पीड निकलवा रहा है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, पहली। इस सवाल के अंदर देखो आपको, इस सवाल के अंदर आपको डिस्टेंस यानी एच हाइट से जब आप उसको घेर रहे हैं ऊपर से नीचे, आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है, या ये चीज़ अगर आपको दे रखी है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन। और थर्ड चीज़ देखो आप, अगर आपको स्पीड और हाइट यानी डिस्टेंस अगर ये दे रखा है आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, थर्ड। ये थोड़ा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से केयरफुली समझ लो। ये दोनों चीज़ दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन, ये और ये दे रखा है सेकंड इक्वेशन, ये और ये दे रखा है थर्ड इक्वेशन। अब सवाल के अंदर आओ आप, सवाल के अंदर हमसे क्या बोल रहा है कि लास्ट की वन सेकंड में उस पार्टिकल की स्पीड क्या रही होगी, यानी उस गेंद की स्पीड क्या रही होगी। तो आप देखो सवाल के अंदर टाइम और स्पीड, आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी इक्वेशन है इसमें से जिसमें हम टाइम और स्पीड का लॉजिक दे रखा है, पहली नहीं, थर्ड नहीं है, सेकंड नहीं है, कौन सी है, फर्स्ट। लगा दो आप, क्लियर है, वी बराबर यू प्लस जी टी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, तो ए बराबर प्लस जी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना है 1, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी लास्ट सेकंड में उस गेंद की जो स्पीड है वो कितनी रही होगी 9.8 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। अब देखो सेकंड सवाल इसी का, इसी के अंदर क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड इन द अबव क्वेश्चन विल बी, जो आपको सवाल दे रखा है इसके अंदर अगर वो बॉल 1 सेकंड चले, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड जब वो ड्रॉप हो गए यहां से यहां तक, मान के चलो ये 1 सेकंड है यहां से यहां तक, इसने 1 सेकंड लिया टाइम, तो बोल रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो यहां से यहां तक के बीच की आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ऑप्शन आपको गिवन है 9.8 मीटर, 4.9 मीटर, 19.6 मीटर, 5.2 मीटर, क्लियर है। अब देखो आपको आपको सवाल के अंदर क्या निकलवा रहा है, टाइम आपको गिवन है 1 सेकंड के अंदर, क्या पूछ रहा है आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप लॉजिक देखो इसमें से टाइम और डिस्टेंस का कौन सा इक्वेशन होगा, सेकंड, क्लियर है। तो आप देखो कौन सी इक्वेशन यूज कर दो, सेकंड, तो आप सेकंड इक्वेशन क्या है एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और मुझे पता है तो जीरो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, तो हाफ 9.8 और टाइम कितना है 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 24.9, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 1 सेकंड में 4.9 मीटर, क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो इसमें थर्ड सवाल और दे रखा है, वो बोल रहा है तब तक आप ये नोट करो, मैं थर्ड सवाल देखता हूं, अब देखो इसी के अंदर थर्ड क्वेश्चन को क्या दिया है, इसी के अंदर बोल रहा है इन क्वेश्चन नंबर यानी इसी क्वेश्चन के अंदर जो आपको दे रखा है, बोल रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉल व्हाइल हिटिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, ये गेंद जब ऊपर से आप नीचे इसको ड्रॉप करोगे, जब हिट करेगी सरफेस को, टकराएगी इससे बिल्कुल, उस टाइम इसकी स्पीड क्या रही होगी, ऑप्शन ए 19.6 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 4.9 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो किसी गेंद को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं और सरफेस को क्या कर रही है, हिट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, हिट या स्ट्राइक करना, टकराना, तो मैंने आपको क्या बताया था वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कैसे निकालते हैं, तो क्या निकलवा रहा है हमसे, यहाँ टकरा रही है तो हमसे क्या निकलवा रहा है, वो वेलोसिटी निकलवा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। तो इस थर्ड चीज के अंदर हमसे क्या निकलवा रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, और वो कितनी होती थी √2gh, ये आपको मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर √2gh। अब देखो g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 पुट कर दो आप, और हाइट कितना दे रखा है इसका 19.6,
से ड्रॉप करा जा रहा है गेंद को, 2 × 9.8 तो कितना आ जाएगा, 19.6 × 19.6 जब इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। वो इस ग्राउंड लेवल को हिट करेगी इतनी स्पीड से, 9.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब देखो इसी में एक नेक्स्ट सवाल और है इसी क्वेश्चन के अंदर, इन द क्वेश्चन नंबर इसी सवाल के अंदर बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू हिट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कितने टाइम में इस सरफेस को हिट करेगी, अर्थ की सरफेस को, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, सॉरी टाइम ऑफ स्ट्राइक, क्या टाइम ऑफ स्ट्राइक, तो हमसे निकलवा रहा है ऑप्शन उसने दे रखा है 5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये हमसे ऑप्शन में गिवन है। तो देखो टाइम ऑफ स्ट्राइक हमें निकालना है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ स्ट्राइक के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, √2s/g। क्लियर है? ये टाइम ऑफ स्ट्राइक का फॉर्मूला था, टाइम ऑफ स्ट्राइक टकराने में लिया गया समय, टाइम ऑफ स्ट्राइक। तो देखो h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19.6, g की वैल्यू कितनी है, 9.8, जब इसको सॉल्व करूंगा तो 2 टाइम्स और 2 टूट जा 4, तो आ गया रूट में 4, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2, तो कितना टाइम लगेगी टकराने पर, 2 सेकेंड। अगर इस गेंद को मैं 19.6 की हाइट से अगर ड्रॉप करता हूँ तो इसको 2 सेकेंड लगेंगी सरफेस पर आने में, ठीक है, ये नोट करो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बॉडीज विद मास m1 एंड m2 फॉल फ्रॉम द हाइट h1 एंड h2 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू हिट द सरफेस इज h1:h2, √h1:h2, √h2, m1:h1:m2:h2, m1:h1:m2 √h2, ये हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, एक गेंद है उसका मास m1 है, ठीक है, और दूसरी गेंद है उसका मास m2 है, इसको h1 हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है और इसको h2 हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, क्लियर है? तो हमसे बोल रहा है कि टाइम t में ये इसको सरफेस को हिट कर रही है, ये कितने टाइम में कर रही है, t1 टाइम में हिट कर रही है सरफेस को, और ये कितने टाइम में कर रही है, T2 टाइम में, तो M2 जो बॉल है जिसका मास M2 है वो T2 टाइम में हिट कर रही है सरफेस को, और ये H1 हाइट से T1 टाइम में हिट कर रही है सरफेस को, तो आपको रेशियो निकालना है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखो आप क्लियर है कि हिट द सरफेस की बात कर रहा है, तो सरफेस को हिट करेगा तो कौन सा टाइम, टाइम ऑफ स्ट्राइक, कितना टाइम लिया उसने टकराने पर, तो टाइम ऑफ स्ट्राइक का फॉर्मूला कितना था, T √2h/g। क्लियर है? अब देखो जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और टू भी कांस्टेंट है, टाइम का रिलेशन किसके साथ आ गया, हाइट के साथ, तो देखो आप क्लियर हो जाएगा इसका टाइम, ये T1 √h1 इक्वेशन नंबर 1, और इसका देख लो आप T2 √h2। क्लियर है? कर दो आप T1 / T2 बराबर क्या हो जाएगा, √h1 / √h2, तो क्या हो जाएगा, √h1 = √h2, T1 = T2, ये निकल के आ गया। क्लियर है? ठीक, इसको नोट करो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg and 5 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एट अ पॉइंट 20 cm फ्रॉम द ग्राउंड, बोथ द बॉडी विल हैव द सेम मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, यानी संवेग और काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, वेलोसिटी मतलब वेग, टोटल एनर्जी मतलब कुल एनर्जी, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा। बहुत अच्छा सवाल है, जेन्युइन सवाल है, नेवी SSR जनरली ऐसे सवाल पूछता है आपसे थ्योरेटिकल। सवाल के अंदर आपको दे रहा है कि देखो ये बॉडी है और इस बॉडी का मास जो है वो 1 kg है, एक बॉडी का मास 1 kg है और h हाइट से इसको ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। दूसरी बॉडी है जिसका मास 5 kg है और इसको भी h हाइट से ड्रॉप कर रहा है। अब बोल रहा है अर्थ की सरफेस से 20 सेंटीमीटर ऊपर, मान लो यहां अर्थ की सरफेस से 20 सेंटीमीटर ऊपर दोनों बॉडी का क्या सेम रहेगा, क्या समान रहेगा। ऑप्शन ए मोमेंटम,
यानी संवेग, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी वेलोसिटी यानी वेग, और ऑप्शन डी टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम डॉट बी। काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच। ध्यान से देखना, आपको चारों के चारों ऑप्शंस का मैं लॉजिक बताता हूं। मोमेंटम किस पर डिपेंड है, मास पर डिपेंड है, और दोनों बॉडी का मास अलग अलग है तो मोमेंटम भी दोनों बॉडी का अलग अलग होगा। क्लियर है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी किस पर डिपेंड है, मास पर डिपेंड है, दोनों बॉडी का मास अलग अलग है, एक का 1 किलोग्राम एक का 5 किलोग्राम, तो काइनेटिक एनर्जी भी दोनों बॉडी का अलग अलग होगा। अब इस पर आओ टोटल एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मास पर डिपेंड है और दोनों बॉडी का मास अलग अलग है तो टोटल एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, लेकिन वेलोसिटी मास पर इंडिपेंडेंट होती है, तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन मास। अगर ये मास पर इंडिपेंडेंट होती है तो दोनों बॉडी का हमेशा वेलोसिटी क्या होगा, सेम। क्लियर है बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, तो इसका आंसर क्या होगा, वेग। तो क्योंकि वेलोसिटी जो होती है मास पर इंडिपेंडेंट होती है, और दोनों का क्या रहेगा 20 सेंटीमीटर ऊपर तक, वेग सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल ऑफ द सेम रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट एच इन वैक्यूम, देन द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम रीच ग्राउंड विल बी, ऑप्शन ए अनइक्वल, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी एग्जैक्टली इक्वल, और ऑप्शन डी रफली इक्वल। यानी बोल रहा है आपसे कि एक जो बॉल है वो आपके पास आयरन की बॉल है, दिस इज आयरन बॉल, ठीक है, और एक बॉल आपके पास वुडन की बॉल है, ठीक है, और दोनों को वो अगर एच हाइट से ड्रॉप कर रहा है, अर्थ पर सरफेस पर आ रही है एच वन हाइट से, ठीक है, दोनों को ड्रॉप कर रहा है सेम हाइट से, तो हमसे बोल रहा है दोनों जब अर्थ की सरफेस पे आएंगे इनका टाइम दोनों का इक्वल होगा, यानी टी वन बराबर टी टू, या अनइक्वल होगा, या जीरो होगा, या लगभग इक्वल होगा, रफली इक्वल। पहली बात, क्वेश्चन के अंदर एक चीज हाइड कर रखी है कि आपको मास नहीं दे रखा, पहली बात तो, लेकिन आप समझ जाओ ये मेटल का बना हुआ है, ये वुडन का बना हुआ, तो मास इसका क्या है एम वन मास, इसका मास क्या है एम टू मास, दोनों का अलग अलग होगा। लेकिन फिर भी अगर सवाल के अंदर मास नहीं गिवन है, फ्री फॉल की कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सेट कर लो, सवाल के अंदर मास नहीं दे रखा बॉडी का, फ्री फॉल की कंडीशन है, तो फ्री फॉल की कंडीशन पर टाइम हमेशा मास पर इंडिपेंडेंट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में जो तुमसे बोल रहा हूं, इन फ्री फॉल, या ऐसे बोल दो एट फ्री फॉल कंडीशन, एट फ्री फॉल कंडीशन टाइम इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो कहने का मतलब है मास पर इंडिपेंडेंट होगा, फ्री फॉल की कंडीशन में अगर मास पर इंडिपेंडेंट होगा तो टाइम दोनों का कैसा होगा, सेम। तो आपका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। लगभग मैंने आपको सारे सवाल करा दिए जिस पर जो बेस थे, क्लियर है। अब इसके बाद जो मैं लेक्चर लेके आऊंगा वो आपका होगा लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उसको भी मैं डिवाइड करूंगा इसी तरीके से, एक सेक्शन के अंदर आपका थ्योरी का पोर्शन और एक सेक्शन के अंदर आपका न्यूमेरिकल का सेक्शन, ठीक है। और दूसरा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चीज़ें पहुँचें लोगों तक। ये चीज़ मैं आपको पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, ये चीज़ें आप तक, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको, वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये कंटेंट लोगों तक पहुँचे। ऐसे लोग जो अफोर्डेबल नहीं होते, फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उन तक ये कंटेंट पहुँचना चाहिए, ठीक। वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। चलिए शुरू करते हैं।